दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं YouTube चैनल रामगढ़ टेक। दोस्तों आज का जो अपडेट निकला है वो झारखंड बोर्ड रिजल्ट की तरफ से निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने चैनल पर इसके विषय में एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट आने वाला है वो जून के प्रथम सप्ताह में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम सप्ताह में आने वाला था, उसका अपडेट जागरण में निकाला गया था, लेकिन आज फिर एक अपडेट निकाला गया जिसमें बताया जा रहा है कि शिक्षकों की कमी के कारण इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो क्या अपडेट है, चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी रोज़ाना कमाल की वीडियो, जॉब की वीडियो मिलती रहे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शाकिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभात खबर की तरफ से फिर से एक अपडेट निकाला गया जिसमें बताया जा रहा है मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच के लिए नहीं मिल रहे हैं परीक्षक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र निदेशक ने कहा है तय समय पर मूल्यांकन के लिए चाहिए और परीक्षक, हिंदी अंग्रेजी विज्ञान व गणित में परीक्षक की कमी है। जी हाँ दोस्तों, इस कमी के कारण मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट को बढ़ाया जा सकता है, इसका डेट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। पूरी खबर चलिए हम आपको पढ़कर बताते हैं। दोस्तों इसमें बहुत लंबा लिफाफा है तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा इसमें क्या पॉइंट है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ मैट्रिक में अंग्रेजी की 20,000 उत्तर पुस्तिका की जाँच के लिए मात्र 12 परीक्षक है, हिंदी की 8,500 कॉपी के लिए 8, साइंस की 9,000 कॉपी के लिए 9 व गणित की 9,000 कॉपी के लिए 8 परीक्षक है। वर्तमान परिस्थिति में इन कॉपियों की जांच 31 तक चलेगी, 2 जून को मूल्यांकन कार्य समाप्त होगा। जनजातीय भाषा की कॉपी की जांच तो जून में पूरी नहीं होगी। इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए भी केंद्र से भेजी गई रिपोर्ट में शिक्षक की कमी बताई गई है। उल्लेखनीय है कि एक दिन में एक परीक्षक को कम से कम 30 व अधिकतम 40 उत्तर पुस्तिका की जाँच करना है। तो ये बताया जा रहा है कि शिक्षकों की कमी के कारण इसका डेट फिर से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी कन्फर्म अपडेट नहीं बताया गया दोस्तों। तो जो अपडेट निकला है मैं आपके सामने रख दिया हूँ। अगर आपको ऐसी रिपोर्ट रोजाना चाहिए तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा। देश और दुनिया जॉब की खबरें की पाने के लिए जरूर से हमारे चैनल रामगढ़ टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।